आइडियल सोलर की टीम ने लाहौर के एरिया चाइना स्कीम के अंदर एक 5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया, जिसके अंदर 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाए हैं और पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए भी हमने यहाँ पर कस्टमाइज अपलिफ्ट जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के लगाया है। ये सिस्टम हमने यहाँ पर एक एसी, 4 से 5 पंखे, कुछ लाइट्स और इस तरह के लोड को चलाने के लिए हमने इंस्टॉल किया है। आज की इस वीडियो में इस सिस्टम की मुकम्मल तफसील आपको देखने को मिलेगी कि इसके अंदर हमने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो कौन कौन सी हैं, इन्वर्टर कौन सा लगा है, बैटरीज कौन सी हैं, इसके अलावा यहाँ पर हमने पैनल्स कौन से लगाए हैं और इस तरह के सिमिलर सोलर सिस्टम की टोटल कॉस्ट कितनी आती है और ये आपके घर की कितनी चीज़ें जो वो चलाने की साहित रखता है, ये सारी चीज़ें आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के चलते हैं आज की ज़बरदस्ती इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरफ। इससे पहले भी हमने चाइना स्कीम के अंदर एक सिमिलर इस तरह का 3.3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया था और उस सिस्टम को देखते हुए ये क्लाइंट भी बेसिकली ये सऊदीया में होते हैं, तो वहाँ से इन्होंने वीडियो देख के हमसे रब्ता किया कि सेम इस तरह का सिस्टम हमें भी लगवाना है। लेकिन इस सिस्टम में और जो हमने पहले इंस्टॉल किया था, आपने वो भी वीडियो देखी होगी, उसमें दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो कस्टमाइज यूज़ किया है, क्योंकि इनके छत के ऊपर जो जगह है वो एक तो जो इनके जो रूफ़ की जगह थी, छत की जगह थी, वहाँ पर साथ वाले जो बिल्डर का साया था वो सारा उसके ऊपर आ रहा था, तो पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी, वो थी ममटीन। अगर सोलर इन्वर्टर की बात करें तो यहाँ पर हमने जो प्रोजेक्ट के अंदर इन्वर्टर यूज़ किया वो आप देख सकते हैं कि गैलेक्सी कंपनी का वीनस सीरीज का जो PV6500 मॉडल है, जो कि 5.6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर, वो यहाँ पर हमने इंस्टॉल किया है। और इस इन्वर्टर के अंदर आपको एक तो नेट मीटिंग का फंक्शन देखने को मिल जाता है, 5.6 किलोवाट का आप इसके ऊपर लोड चला सकते हैं, बैटरियों के साथ भी चलता है, विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं और ये इन्वर्टर आपको 2 साल की मुकम्मल पार्ट्स की वारंटी के साथ मिलता है। और बात करें अगर इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोड क्या चला सकते हैं, तो यहाँ पर आप इसके ऊपर 2.5 टन के इन्वर्टर, AC, 4 से 5 पंखे, LED लाइट, LED TV वगैरह, वो सारा कुछ आप इस इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। और अगर बैटरीज की बात करें तो इस सिस्टम के अंदर हमने एक्साइड कंपनी की 12 वोल्ट 185 एम्पीयर की 4 टार ट्यूबलेट बैटरीज इंस्टॉल की हैं, जो कि 48 वोल्ट बैटरी बैंक बनता है ये इन्वर्टर, क्योंकि या तो विदाउट बैटरी आप चला सकते हैं बिना बैटरी के, अगर बैटरीज लगानी है तो इसके साथ 4 बैटरीज लगानी पड़ती है, तो यहाँ पर हमने 12 वोल्ट की जो है वो 4 बैटरी सीरीज में करके 48 वोल्ट का बैटरी बैंक बना के इस सिस्टम के साथ हमने लगाया है। और ये इन्वर्टर क्योंकि ड्यूल आउटपुट का फंक्शन भी प्रोवाइड करता है, तो आपको जो हैवी लोड होता है और जो आपका UPS वाला या जो क्रिटिकल लोड होता है वो आप उसको एक तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि रात को अगर लोड शेडिंग होती है तो आपको जो हैवी लोड होता है ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली इसको कट ऑफ कर देता है, और जो आपका लाइट लोड होता है जिसके अंदर आपके पंखे लाइट्स होते हैं वो ईजिली बैटरीज के ऊपर आपका चलता रहता है। और इस सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए आप देख सकते हैं हमने DB बॉक्स के अंदर जो रिक्वायर्ड ब्रेकर्स हैं, यहाँ पर आपकी जो बैटरीज की वायर है वहाँ पर हमने बैटरी वाला ब्रेकर यूज़ किया है। इसी तरह जो हमने यहाँ पर इनपुट आउटपुट के ऊपर जितने भी जो AC और DC के ब्रेकर्स हैं वो सारे हमने यहाँ पर इंस्टॉल किए ताकि सिस्टम की प्रोडक्शन को भी श्योर किया जा सके। और जिनको कंपनी का आपको पता है कि Tier 1 की कंपनी है और A-grade सोलर पैनल बनाती है, तो यहाँ पर जो पैनल हमने यूज़ किए हैं ये भी हमने A-grade पैनल यूज़ किए हैं, जिनको का जो 550 वाट का मॉडल है, इसकी 12 साल रिप्लेसमेंट वारंटी होती है और 25 साल इस पैनल की जो है वो परफॉर्मेंस वारंटी आपको देखने को मिलती है। और जितने भी ये Tier 1 A-grade कंपनीज के पैनल होते हैं वो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ देखने को मिलते हैं, ताकि आप उसको श्योर कर सकें कि आया पैनल ओरिजिनल है या फेक है। यहाँ पर हमने जितनी भी वायरिंग की है सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक वायरिंग हो, चाहे इन्वर्टर से लेकर इन्वर्टर की दीप तक जितनी भी वायरिंग हो, वो हमने प्रॉपर तरीके से उसको कवर किया है, PVC पाइपिंग और PVC डक्टिंग का यूज़ किया है, ताकि सिस्टम की जो खूबसूरती है उसका भी ख्याल रखा जाए कि सिस्टम दिखने में भी खूबसूरत हो। और उसके अलावा अगर इसको हम PVC पाइप और डक्टिंग के जरिए जब कवर करते हैं तो वायर की जो लाइफ है उसके ऊपर क्योंकि वेदर इफेक्ट नहीं आता, पानी वगैरह नहीं बारिश का आता, इसके अलावा धूप वगैरह से बची रहती है, तो ऑलरेडी हम जो वायर यूज़ करते हैं वो वेदर प्रूफ होती है, डबल PVC के अंदर होती है और टिन इंक्लूड होती है। उसके बावजूद हम सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक जितनी भी वायर्स होती हैं उसको PVC पाइप के जरिए कवर करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। अब आखिर में ज़रा बात कर लेते हैं इस सिस्टम के ऊपर आने वाले टोटल कॉस्ट की, और ये सिस्टम जो है ये लोड कितना चला सकता है। तो क्योंकि यहाँ पर हमने जो इन्वर्टर यूज़ किया है वो 5.5 किलोवाट का है, तो 5.5 किलोवाट का जो इन्वर्टर होता है वो आराम से 2.5 टन के इन्वर्टर, AC और साथ में पंखे, लाइटें, एक 5 मरले के घर में जितना भी लोड होता है वो सारा लोड ईजिली उठा सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो सोलर पैनल यूज़ किए हैं वो 3.5 किलोवाट के पैनल्स हैं, तो इस सूरत में होता है कि अगर आपका लोड 5 किलोवाट भी हो जाता है तो उस सूरत में इन्वर्टर के अंदर रियल टाइम शेयरिंग का ऑप्शन होता है कि आपके सोलर पैनल से जितनी बिजली बन रही है, अगर इन्वर्टर के ऊपर आप 5.5 किलोवाट का लोड भी चलाते हैं तो उस सूरत में ये इन्वर्टर ऑटोमेटिकली जो बिजली सोलर पैनल से बन रही होती है वो सोलर पैनल से ले लेता है, और जो उसको और बिजली चाहिए तो उस लोड को चलाने के लिए वो वापडा से शेयर कर लेता है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपके सोलर पैनल से जो बिजली आ रही है वो 1500 वाट है, आगे आपको जो लोड चल रहा है वो 2000 वाट है, तो उस सूरत में इन्वर्टर क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली वो 1500 वाट वो सोलर पैनल से ले लेगा और जो उसको 500 वाट रिक्वायर्ड होगा वो वापडा के साथ वो शेयर कर लेगा।
यानी कि मैक्सिमम जो बेनिफिट है सोलर पैनल का वो आपको ये इन्वर्टर प्रोवाइड करेगा। मुस्तकबिल में इस सिस्टम के साथ हम 6 पैनल और भी ऐड कर सकते हैं, और जितने पैनल हम ज्यादा ऐड करेंगे ऑब्वियसली उतनी ज्यादा सोलर से जनरेशन आएगी। अगर बात करें इस सिस्टम के ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आई थी, तो ये अक्टूबर 2023 की वीडियो है, तो ये सिस्टम तकरीबन आज से 7-10 दिन पहले इंस्टॉल हुआ था। तो इसके ऊपर टोटल कॉस्ट आई थी वो तकरीबन 8 से 8.5 लाख के आसपास आई थी। अगर आप भी अपने घर पे एक इस तरह का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं या हमारी कोई भी सर्विसेज सोलर सिस्टम के हवाले से आप अवेल करना चाहते हैं, अभी दिए गए नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो है 03154286666। इस नंबर के ऊपर आप कॉल या व्हाट्सएप करके या व्हाट्सएप के ऊपर अपने बिजली के बिल की एक कॉपी या उसकी तस्वीर शेयर करके उसके मुताबिक जो भी रिक्वायरमेंट बनेगी सोलर सिस्टम की वो आप हमसे अवेल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और हमारा काम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोलर प्रोजेक्ट के साथ। अपने मेज़बान अदनान शीर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।